पूजा, ए पूजा, अरे यार सुन भी लिया करो तुम। हाँ दीदी, क्या हुआ? तुम मैंने बहुत अच्छी रखी है अपने मकान में। क्या ये देखो, ये कितना पानी हो रहा है, मैं सफाई करते करते मर चली। एक बात बताओ, घर तुम्हारा है या मेरा? आपका ही है दीदी। हाँ तो आप तो किराएदार हो, मैं मकान वाली हूँ ना, तो मैं आपके बट की सफाई क्यों करूंगी यहाँ पे? है? हो गया दीदी, मैं कर दूंगी। ये कितना गंदा पड़ा है, एक बात बताओ, तुम किराए के मकान को अपना समझ के नहीं रहोगे तो फिर अपने में कैसे जाओगे, ये सोचो। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर दूंगी। कोई बात नहीं, देखो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, समझ में आएगी। पहली बात तो ये है कि मैं फैमिली को रखती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अब मैंने रख लिया है फैमिली को, ठीक है ना। और ये जितना भी गंदा पड़ा है इसे साफ करो, लो पकड़ो बाइफर। एक तो बाइफर भी मुझे अपना ही देना पड़ता है मुझे। और हाँ एक बात और बताओ, मेरे तुमसे ही जब आए थे तभी तय कर लिया था कि मैं रात के 9 बजे गेट नहीं खोलूंगी, 8 बजे तक किसी को आना है तो आ सकता है, अगर 9 बजे तो घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। और जब मैं रात को अपने कमरे में से उठ के आई थी तुम्हारे पति के लिए, मैंने गेट खोला था तो इतनी स्मेल आ रही थी दारू की, क्या वो शराब पीते? नहीं दीदी, शराब तो नहीं पीते। अरे हाँ, पार्टी वार्टी में से। अरे मेरा तजुर्बा ऐसे ही थोड़ी नहीं है, शराब की इतनी बुरी बदबू आ रही थी मेरे तो घर में, पूरे तो सिर में इतना दर्द हो गया कि बहुत ज्यादा। देखो अगर तुम्हें रहना है तो सही तरीके से रहो, वरना आप, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कहीं और मकान देख लीजिए। चलो मैं बात कर लूंगी दीदी, पूछ लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। देखो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। देखो पूजा, मैंने आपका व्यवहार देख के मैंने रख लिया था कि तुम मुझे ठीक ठाक लगी, अब तुम भी ऐसे ही करने लगी गंदगी। हाँ, ऊपर से तुम्हारे आदमी शराब पी के आते हैं, 9 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा, 9 बजे तक बस, ठीक है। और 9 बजे तक किसी को आना है तो आ जाए, और नहीं तो भैया बाहर ही रहे अपना, बता दो। मेरा तो ये उन्हें समझा देना, अगर उन्हें रहना है तो, और अगर नहीं रहना तो फिर अपने लिए कोई महल बनवा ले, ठीक है। मैं बात करूंगी। हाँ ओके। कितनी गंदगी रखते हैं यार ये लोग, ये तो रहने लायक ही नहीं है कहीं पे भी। ये देखो कितनी सुंदर है, और उसका आदमी कितना टकला सा, बेकार सा, बुड्ढा सा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई सुंदर सा लड़का आए और मेरे कमरे में रहे, उसे तो मैं रख भी लूंगी, पर मेरे तो फैमिली वालों से मेरा दिल खट्टा हो गया, मैं फैमिली नहीं रख सकती। कोई स्मार्ट सा, हैंडसम सा लड़का आए तो मैं उसे रखूँ भी, अच्छा भी लगे, मेरे मकान की भी इमेज बढ़े, इनको क्या रखना। सोनिया, बहू सोनिया। हाँ बोलो। अरे बेटी, मैं ये कह रहा था, एक किराएदार है घर के लिए, मैंने किराए पे कह दिया उनसे, एक दो तीन बच्चे हैं उनके पास, और दोनों मियां बीवी हैं। अच्छा। चार तो बच्चे हैं उनके, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें घर दिखा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं रखूंगी उन लोगों को। क्यों बेटी? नहीं नहीं, समझ में आ गई ना पिताजी। और आप किराए, और आप इन किराएदारों के झंझट में कब से पड़ गए? आपसे मैंने कहा था ऊपर वाला कमरा खाली है, तो तुम बात कर रही थी ना उससे। कोई ऊपर वाला कमरा खाली तो इसका डिसाइड मैं करूंगी, तुम नहीं, ठीक है। चलो बेटी। हाँ, और आप इन झंझटों में मत पड़ो, ये किराएदारों के, और उसमें तुम नहीं संभाल पाओगे, मैं ही झेलती हूँ। एक को बुला के मैंने बहुत गलती कर दी, ठीक है ना। चलो खाना खा लो आप। ठीक है, चलो। और मुझे एक बात बताओ, अब तो खाना खा लिया तुमने? हाँ बेटा, ठीक है ना। पेट और हाँ एक चीज और बोल रही हूँ मैं, कि तुम्हें अगर खाना पीना खाया करो तो मैं बाहर ही दिया करूंगी, अंदर मत आया करो। एक तो तुम बीड़ी इतनी पीते हो, मुझे इतनी स्मेल आती है, एलर्जी होती है मुझे, स्मेल बदबू आती है तुम्हें से। अरे बेटी ऐसे मत कहो, किसी की इतनी वो नहीं करनी चाहिए। मैं वो नहीं कर रही, मैं सही हूं। पीती है तो पीती, खाती भी है, अच्छे से कपड़े पहनता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, सब काम करता हूँ, मगर तुम्हें ना कोई कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे घर से बाहर भेजने का। पिताजी अगर मुझे घर से बाहर निकालना हो ना तो मैं कोई बहाना नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर दूंगी। चले तो तुम हम सबको बहा दो। सुनो, अब एक काम करो, घर में बहुत चूहिया हो गई है, चूहे हो गए तो मोटे मोटे, तो मेरी साड़ी नहीं, नहीं 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 साड़ी काट दी है मेरी, बहुत कपड़े काट दिए, बहुत नुकसान करते हैं वो। हाँ। अब एक काम करो, चूहादान ले आओ। जाओ, मैं कहाँ से ले आऊँ बेटे चूहेदान? कहाँ से लाओगे? किसके घर से मांगू? मैंने तुमसे मांगने के लिए नहीं कहा, बाजार से लाने के लिए कहा है। अरे बाजार बेटा बहुत दूर है यहाँ से। इतनी भी दूर नहीं है, तुम्हारे जैसे बुड्ढे सुबह सुबह रनिंग करते हैं। अरे बेटी अब हमारी काया में दम ना रहे बिल्कुल भी। सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, ठीक है ना, और जाके तुम भी थोड़ा घूम लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बेटा मैं सांस फूलता, हम इतनी दूर बाजार। खाने में तो तुम्हारी सांस नहीं फूलती, बोलने में तुम्हारी सांस नहीं फूलती। चल बेटा ले आऊंगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखो, घर में आओ तो चूहा दान लेके आना, ठीक है ना।
वरना बिल्कुल मत आना। चूहेदान ना मिले तो बाल्टी ले आऊं। अरे बाल्टी में क्या, तुम्हें तुम्हें धरूंगी उसमें। जा जाके चूहेदान लेके आओ और लेके ही आना, तभी आना घर पे। सुन ले तेरी मामा रात दिन तेरी यही कहानी गाती रहे। ये बुढ़ा और मर जाए ना तो एकदम बढ़िया हो जाए, इससे और आजाद हो जाऊं। ये और मेरी छाती पे बोझ सा ही है बिल्कुल, कुछ करता ना धरता है, बस फालतू में बकवास किया जाएगा, फालतू की राय दिया जाएगा जो जो किसी काम की नहीं है। पता नहीं इतना दिमाग खराब होता है ये इससे तो। अरे क्या हुआ दीदी, कैसे गुस्सा क्यों कर रही हो? अपने कर्म को रो रही हूँ पूजा, अपने कर्म को, है ना। मैं ये अपने कर्म को इसलिए रो रही हूँ, मैंने कैसा नसीब लिखा के लाई हूँ। एक तो ये बुढ़ा मुझे इतना परेशान कर देता है, मेरा ससुर जो इतना परेशान करता है बहुत ज्यादा। क्या हो गया ऐसा? फालतू फंड की राय दिया जाएगा जो जो दो कौड़ी की नहीं होती। अरे छोड़ो दीदी, बड़े बूढ़े हैं, बुड्ढों की तो और सेवा करना चाहिए। अरे इन जैसे बुड्ढों की है तो सेवा के लायक भी नहीं है। नहीं ऐसे नहीं बोलते, कोई बात नहीं है। अरे ये बुड्ढा बहुत आरामी है सही बताऊं तो। हाँ कैसे दीदी? अरे इसने जवानी में बड़े बड़े गोदन थापे, ऐसे लुगाइयों को घर में कूद जाता था, नाती लुगाइयों को देखता था। आपसे कौन कह रहा था? अरे मुझे तो मेरी सास बता रही थी। मुझे कौन बताएगा, मेरी तो सास बताती थी बस मुझे तो सारी बातें। और मेरी सास बड़ी दुखी रहती थी, ये बोलती थी कि वो क्या कहते हैं, मैं बड़ी दुखी हूँ और मारता पीटता अलग था सासू माँ को। बहुत खराब बुढ़ा है ये, अब बुढ़ापा आ गया है तो अपने आप को सीधा समझने लगा। चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो परेशान मत हो, वो बड़े बूढ़े हैं अभी। चल ठीक है, जाओ तुम भी अपने कमरे में। ठीक है। अरे बेटी कहाँ जा रही है? बेटी ताऊ जी पानी लेने जा रही थी, अभी वो तुम्हारे घर में बिजली नहीं है ना, लाइट नहीं आ रही, तो दो दिन से पानी भी नहीं आ रहा, बाहर से ले जाना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ पानी नहीं है तो इसलिए लेने जा रही हूँ, क्या करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी परेशानी है पानी की तो। अब वो ये घर जाऊंगा तो घर पे जाके वो पानी भरवाएगी बहू हमारी। कैसे, कुछ बात हो गई है क्या? वो आपकी बहुरानी कुछ बोल रही थी आपके बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी। तुमसे कुछ कह रही होंगे? वो बता रही थी कि आप ऐसे थे वैसे थे जवानी में, और ताई जी को बड़ी बूढ़ी को उनको भी मारा पीटा करते थे, परेशान रखते थे बहुत ज्यादा। अरे बेटा वो ये ना कहे, चली गई वो कहने वाली जो मेरी संगनी, जब वो बताती कि हाँ जी सही बात है ये गलत बात है, अब तो पीछे तो कोई भी इल्जाम लगाते रहे। बेटी मैं अपनी बहू से आज तक तू करके ना बोला, जब तक वो मेरे संग रही तो बता मैं ऐसे ऐसे काम करूँ। मेरी आदत तो देख ही रही है बेटा, कि मेरी आदत कोई काम मैं ना कह सके सिवाय मेरी बहू के। हाँ, कोई भी ना बता सके कि ऐसे हैं बाबा, नेक्स्ट बच्चा से भी पूछेगी तो बाबा बहुत अच्छे हैं। मगर वो ये ना बेटी, वक्त खराब है, नसीब खराब है जो हमें ऐसी बहू मिले जो दुनिया में गाती रहे हमारी बुराई। और तू देख रही है कि तू अब एक महीना है और तेरे को रहते रहते कितने तो काम करवाए हमसे, बड़े बूढ़े से हमारी कुत्ता ऐसी जिंदगी कर रखी है। जब बेटा जब तुम इतनी बात कह रही हो ना, जब हम एक बात कह रहे हैं तुमसे, मगर हमारी बहू से मत कह रही, नहीं तो हमें रोटी हराम है जाएगी खाने। नहीं वो मुझे भी परेशान करती है कभी। बाकी आदत है बेटा, इन्हीं गुणन थे तब मुँह अच्छी ना लगा। जा तुम कुत्ता की तरह रोटी खाया, तुम खा के सही में चलो आ तुम अपने। सही बात है जे, और क्या करें? जब तक का करूं, अब ये तो है ना कि कुछ मैंने बुरे काम करने, जब मर जाऊंगा खा पी के। ना ना ऐसा मत सोचो ताऊ जी, आप बेटा मैं बहुत दुखी हूँ बस। अब कोई किराएदार लाओ तो नखरे दिखाते, तुम लोग ने चैन ना लगन दे तो बता मैं का करूं। अब जा रहा हूँ, देखो अब का करेगी, कुछ ना कुछ बताएगी। दो रोटी खाने जा रहा हूँ। ठीक है मैं पानी ले आऊंगा। हां बेटा जा जा, ठीक है। जगह तो यही बताई थी भैया ने, क्या पता करता हूँ। अरे कोई है क्या घर में? कोई है? अरे कौन है ये? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। तुझे मैं आंटी लगती हूँ हैं? तुझे मैं आंटी लगती हूँ ये बता। थोड़ा बहुत लगती है इसीलिए बोल दिया, नहीं तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि आपको गुस्सा करना। तेरी शक्ल से तो अच्छी होगी, जैसे लंगूट जैसी शक्ल जो लेके आया, तो तू जो आंटी कहेगा मुझसे। चलिए सॉरी उसके लिए, मुझे थोड़ा एक भैया ने भेजा था, बताया था उन्होंने कि आपके यहाँ रूम खाली है कोई। हाँ है रूम खाली। हाँ तो मुझे रूम चाहिए। अच्छा तो तुम रूम के लिए आए हो? जी जी जी। अरे यार तो तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे आंटी कहते हुए। नहीं तो आप बता दीजिए आपसे क्या बोलूं। अरे अब तुम ये बताओ मैं क्या मतलब मैं एंगल से मैं क्या लगती हूँ आंटी लगती हूँ? ये चश्मा निकालियो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले ये चश्मा निकाल, जब देखा
अब देख आंटी लग रही हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं आप आंटी नहीं लग रही। ये है ये तेरी है ये ना ये इंडिकेटर। अब ये बताइए रूम है या नहीं। फोड़ दूंगी रख के। अरे वो ठीक है लेकिन रूम है या नहीं ये बताइए। हाँ है रूम। तो फिर दिखाइए कहाँ है रूम और मुझे किराया। वैसे आया कहाँ से है तू? मैं बुलंदशहर से आया। किसने भेजा तुझे? मुझे राकेश भैया ने भेजा है। तो वो बोल रहे थे कि उनके यहाँ चले जाना और सोनिया करके कुछ नाम बताया था आपका। हाँ मेरा ही नाम सोनिया। हाँ तो उन्हीं ने भेजा है कि उनके यहाँ चले जाना, उनके यहाँ रूम है काफी सारे। राकेश भैया कौन से? अरे राकेश भैया वो जो मटरू और रागनी करके एक लेडीज उनके साथ में रहती है। अच्छा अच्छा घूमते ब्लू कलर की पे। अच्छा वो झांकी वाले जो है। हाँ 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 झांकी जो करते हैं। हाँ डांस वांस करते हैं वो। अच्छा 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 हाँ 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 वो शादी वादी भी करवाते हैं तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि वहाँ चले जाओ। शादी तो बेटा वो ऐसी कराते हैं कि आदमी जिंदगी भर तक ना भूले। मुझे तेरी शादी तो नहीं करा दी उन्होंने? मैंने नहीं की उनकी बातों में। चक्कर में भी मत पड़ जाइए। नहीं अब आप मुझे रूम दिखा दीजिए प्लीज। देख सुन बताइए। वैसे तो मैं रूम 2000 रुपए में उठ रहे हैं मेरे सारे रूम। ओके एक रूम खाली है। ठीक है ठीक है। और जो तू शायद वो दे दियो। सच में? हाँ जो तेरी इच्छा हो वो दे देना। चलो ठीक है। तो फिर मैं आपको परेशान मत होइए, मैं आपको किराया एकदम कंप्लीटली एक महीने का एडवांस दे दूंगा। जी देख ये कमरा है। कमरा तो अच्छा है। ये तेरा कमरा है ठीक है देख ले। हाँ अच्छा कमरा तो। और हाँ एक चीज और सुन ले। बताइए। वैसे तो मैं 9 बजे तक 9 बजे के बाद में किसी को घुसने नहीं देती। ठीक है पर तेरे लिए 24 घंटा सर्विस है। अच्छा सच में 24 घंटे आ सकता है। मैं ऐसा मेरे लिए क्यों मतलब 24 घंटे में आ जा। अरे तू नया लड़का है यार। चलिए तू एकदम है। चलिए हाँ किसी के लिए थोड़ी नहीं। जो लुक बाय लुक होता है मैं उन्हीं को अपने मतलब कम मतलब घर दे रूम देती हूँ और उन्हीं को फैसिलिटी ज्यादा स्टैंडर्ड देती हूँ। चलिए ठीक है। तो देख सुन ऊपर वाले रूम में एक लेडीज और रहती है, एक फैमिली और रहती है। ठीक है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? बीबी बहुत सुंदर है, मतलब वो लेडीज बहुत सुंदर है, बहुत ही विकटी सुंदर है। ठीक है। लेकिन उसका आदमी जी सर पे बाल नहीं है जी, आगे से एक दांत टूटा हुआ है, इतना पेट निकला हुआ है। तो फिर जाने दीजिए मैं, मुझे उनसे क्या मतलब है? मुझे सोच जरा यार भगवान कैसी कैसी जोड़ियां मिला देता है। वही तो है कि नहीं? अब मुझे दे और तुझे दे। सही बात है। सही है ना? मस्त मस्त है कि नहीं? हाँ। आ जा। ओ सोनिया सुनती नहीं है एक आवाज में? बैस की तरह क्यों रह रहे हो? अरे रह रहा हूँ मैं, आवाज दे रहा हूँ। तुमसे 1000 दफे कह दी वहीं मरो वहीं कटो वहीं गड्ढा खोद के कूद पड़ो उसी में। अरे क्यों आती मुझे बदबू आती है तुम में से? बदबू आती है तो अपनी नाक को सही रखा करना, जुकाम होता है तुझे हर बार मेरे ऊपर थूक देती है। गंदगी गंदगी बहुत सफाई रखती है तू बहुत। क्या बात है, किस काम के लिए आया वो? मैं इसकी कह रहा था कि मतलब एक बुढ़िया है और एक बुढ़ा है, एक बच्चा है उसके साथ, तो किराएदार के लिए। किराएदार नहीं, किराएदार मैंने रख लिया। कहाँ रख लिया? रख लिया किराएदार नहीं है अब। हाँ तो बेटा कब रख लिया किराएदार? अरे मैंने एक स्कूल वाला लड़का रख लिया। स्कूल वाला? हाँ। ना 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 बेटा ना, हमें ना रखना स्कूल वाला। क्यों? ना ना अकेले अकेले ना रखना, हमें बस फैमिली रखनी है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? बेटा मेरी बात समझे कर, आजकल के लड़का बड़े मालिक। मैं हूँ या तुम हो? है इस घर का मालिक कौन है, मैं या तुम? बेटा जब हते जब हम हते, अब तो तुम ही मालिक हो। हम तो हम ही है तो हमारे ऊपर छोड़ो ना। तुम फालतू में आधी रोटी पे दाल को ले रहे हो और मैं किसी को रखू किसी को भी ना रखू। हाँ बेटा हम जाम कुछ। तुम अपनी दो रोटियों से मतलब बस उसे उतना करो बस ठीक है। तुम्हें टाइम से रोटी मिल रही है, शुक्र मनाओ। हाँ बेटा रोटी तो खाएंगे खाएंगे, जब जिएंगे तो दो रोटी मांगने आएंगे तेरे यहाँ। तो अच्छा तो मैं रोटी देती नहीं हूँ तुम्हें बना के? देती है बेटी मगर अब ज्यादा का खे तो उसे क्या कहोगे, मारोगे मुझे? उम्मीद हमारी ना रही। उम्मीद जिनसे उम्मीद हो उनके पास जाओ। हमारी उम्मीद तो अपनी चौखट पे है, मरेंगे जिएंगे खाएंगे पिएंगे नहीं मरेंगे। तुम्हारे बड़े बेटे ने तो धक्का दे दिया तुम्हें, चला गया विदेश। अरे वो विदेश भाग गया, अगर तुमसे इतना ही लड़ करता होता ना तो तुम्हें अपने साथ लेके जाता। वो तो मेरी वो खूबी देखो जो मैं तुम्हें रख रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। अरे हमें कोई खूबी होगी जो तू हमें रखे पड़ी है? नहीं हमारे तुम्हें तो कोई खूबी है ही नहीं, तुम्हें ऐसी क्या खूबी होगी? क्या खूबी क्या तुम में खूबी? अब खूबी की बात रही है तो सुन ले मेरी बात। जा घर में, तू कह रही ना मैं मालकिन हूँ, जो मेरे खून पसीना के कमाई से एक एक ईंट से बनवा मेरी पसीना के कमाई से, और जो खेत है ना वो मेरे ही है ना कि तेरे हैं। तू अपना अमला जमाई रही है मगर तेरों को छूना है। अभी यही बात मैं तुझसे कहूँ तो तू बाहर पोटरा लेके अपने पियर के धोच देगी मैं लौंडा हूँ और जिंदगी खराब कर देगी मैं लड़का। ना ना मेरे पियर वालों ने जो
इतना दान दहेज दिया था हाँ। उसका तो कुछ है ही नहीं। वो तो तुम लोगों ने खाया चाटो को मैंने ले और मैं बता रहा हूँ बाप मुझे बता जी सामान जी सब सट्टो चाहे मेरे कपड़ा मेरे तो फूट रहा माँ पड़े पहले समर सेविल नहीं थी इस घर में नल था समर सेविल किसके पैसों से लगी मेरे पैसे लग रही तेरे पैसे से कुछ ना है मैं मारो जब लेके आयो अच्छा आज वो तुम्हारा बेटा हो गया और हम दूसरे के घर से आए तो कुछ नहीं हम किसी की बहन बेटी नहीं है तो हम अपना समझ तो रहे हैं हाँ, तुम तो बड़ा समझते हो ऐसा पापा जी मुझे मत सुनाओ हाँ ठीक है ना हम हाँ किन से जो तुम्हारी सुनना चाहे उसे सुनाओ उसे तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है बेटा सुनाएंगे सुनाओ अपने बेटे को एक दिन हुए तब बर्दाश्त कर रहे मैं जानती हूँ तुम कमाए के भूखे हो तुम किसी और के भूखे नहीं हो मुँह पे नाचते तो आप तुझे मानने को जा अपना काम कर इतना अच्छा खासा मूड था मेरा बुड्ढे ने बेकार कर दिया ऐसा मन करता सोते हुए के मुंह पे या तो तकिया रख दूं या खुद ही अपने हाथों से गला घूट दूं छोड़ो इससे क्या फालतू में वो नया लड़का आया होगा ना उससे जाके बातचीत करती हूँ थोड़ी सी ठीक भी लग रही होंगी वैसे कुछ भी सही जो मैंने सोचा था ना अच्छा सा लड़का आया है कुछ भी सही मस्त मस्त क्या हो रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं वो पढ़ाई कर रहा था वो तो मुझे भी दिख रहा है कि पढ़ाई कर रहे जी 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 वैसे क्या पढ़ते हो इसमें मैं कुछ नहीं बस मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई चल रही है वैसे तो मैं आ रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं आई नहीं दिक्कत नहीं है आप ये कैसे बैठी हैं आप आराम से बैठी वो एक्चुअली क्या ना मुझे कहीं ना कहीं सहारा जरूर चाहिए अब जैसे कि मैंने ऐसे हाथ रखा तो सहारा मिल गया अब सिर रखा तो उंगली चाहिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता ना मैं बगैर सहारे के कुछ नहीं बताइए तो बताइए कुछ काम था क्या काम ही था बस मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई नहीं हाँ वो ठीक है लेकिन बताइए मेरे क्या अच्छा अच्छा वैसे एक बात बताओ पूछिए बेबे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है रूम की फैसिलिटीज भी अच्छी है और मेन चीज ये है कि सारी चीजें व्यवस्था एकदम मकान अच्छा लगा एक नंबर और मकान वाली आप भी अच्छी हैं थैंक यू खाना खा लिया हाँ खाना पीना खा के फ्री हो गए मैं पढ़ाई कर रहा था कहाँ से मंगाया था कहीं से नहीं होटल से मंगा रहा हूँ अभी तो क्या हाँ मेरे होते सोते तुमने होटल से खाना मंगाया क्या करूँ कि अब बनाएगा कौन यहाँ पे अब कुछ ना तो कुछ आज से होटल से खाना नहीं आना चाहिए तो मैं किस लिए हूँ मैं मंगाऊंगी होटल मैं बनाऊंगी अपने हाथों से ठीक है ठीक मैं हूँ ना मेरे हाथ का खाना खाओगे ना हाँ, तो खाते ही रह जाओगे और जिंदगी भर खाते खाते तुम्हारा पेट नहीं भरेगा इतना मस्त खाना बनाती हूँ मैं जी। और बताओ ना अपने बारे में वैसे बस कुछ नहीं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और घर में फैमिली में दो भाई हैं हम और मम्मी पापा हैं तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं थैंक यू और तुम्हारे बाल बड़े क्यूट है थैंक यू वैसे अच्छा एक बात बताओ गर्लफ्रेंड कितनी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है खाली पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता इसीलिए झूठा नहीं कर सच में फोन क्या है तुम्हारा फोन गिरा ये किसी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया है क्या नहीं नहीं मम्मी वैसे तुम्हारे फेस को देख के तो लगता नहीं है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना होगी नहीं कसम से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सच्ची में सच में तब तो और ही बढ़िया है मतलब मेरे कहने का मतलब है कि तुम बहुत अच्छी हो आज के जमाने में इतना खूबसूरत लड़का गर्लफ्रेंड नहीं रख रहा तो बड़े मतलब अजीब सी बात है ना बहुत मतलब सोचने वाली बात है अजीब क्या है मतलब तुम्हारे जैसे लड़के तीन तीन चार चार गर्लफ्रेंड लिए फिरते हैं नहीं 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 अब देखो जैसे कि एक लड़का है हमारे यहाँ जी उसकी कम से कम 70-80 गर्लफ्रेंड होगी अपने आप पता भी क्या कहता है कि मेरे पास 60 गर्लफ्रेंड है तो उससे क्या फायदा अपना कैरियर खराब करते हैं ऐसे लोग मुझे ये सब हाँ सही बात है और तुम्हें पता है एक बार मेरे घर पे भी आया था 4 पहिए की गाड़ी में लेके आया था उसे चलिए मतलब छोड़ने आया था ऐसे पर मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो थैंक यू कभी आज से कभी भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े जी तुम मुझसे कहना जी जी कहोगे ना जी जरूर अरे ऐसे क्यों कर रहे हो देखिए मैं तो तुम्हारा ख्याल ही तो रख रही हूं मैं कह रहा हूं देखिए कोई देख लेगा तो हम लोगों को गलत समझेगा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब हम गलत है नहीं तो समझेगा क्यों मेरी बात तो समझिए देखिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम कहाँ समझ लोग मुझ पे शक करेंगे कि ये लड़का गलत मेरे मकान में होते मेरे मकान में रहते हो ना तुम किसी और के मकान में नहीं ठीक है ना जी। तो कोई कैसे शक करेगा और इस गली मोहल्ले में अब पूरे मकान में मेरी चलती है मैं जिसको रखूँ और जिसको मेरा मन करेगा उसे रखूंगी और मेरा मन नहीं करेगा उसे नहीं रखूंगी समझ में आ रहा है ना हाँ तो तुम इतना डर क्यों रहे थोड़ा पास आओ ना मेरे नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ तुम्हें पता है जी। एक लड़का लड़की को घर लेके आया था जी।
वो बेचारी बस स्टैंड पे भटक गई थी, तो मैंने बोला था आप ही छोड़ जाओ। रास्ते में उन दोनों के बीच में ना जाने क्या क्या हुआ। आप देखो, तुम तो घर में होते सोते कुछ नहीं कर सकते। जी जी, अब आप जाइए क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, समझिए प्लीज। पढ़ाई करनी है जी। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। बताइए। खाना तो मैं ही बनाऊंगी, मेरे हाथों से खाओगे ना खाना? नहीं, मैं होटल से मंगा रहा, मैं सोच रहा था होटल से मंगा लूं। होटल से क्यों मंगाओगे? देखो, तुम्हें रहना है तो रहो, और नहीं है तो बुरा रास्ता, अभी निकलो। नहीं नहीं, ठीक है, आप अपने यहाँ से जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। हाँ यार, इतनी देर से मैं तुझे बुक कर रही हूँ, तू तो समझ ही नहीं रहा। ठीक है ऐसी मकान वाली मिलेगी तुझे? नहीं, वो तो ठीक है, आप यहाँ से खा लूंगा। काश उस लड़के की तरह तुझमें फीलिंग होती ना, तो तू आज लड़का होता। चल जा। ऐसा करती हूँ, दूध ले जाती हूँ उसके लिए, बादाम वाला, तो बढ़िया रहेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, मन करने योग्य। जी जी, ये जरूरी है? जरूरी मतलब? मतलब ये चीज जरूरी है या ये? पढ़ाई भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पढ़ाई। मुझे तो लगता है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है तुझे। बताइए। तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुझे मकान वाली खुद दूध ला के दे रही है, वरना कोई मकान वाला ना अपनी घर की सुई तक की चीज नहीं छूने देता। सही बात है क्या? नहीं जी जी। तो बता, तेरे लिए क्या खास है? मेरे लिए दूध। हाँ तो ले पकड़। थैंक यू। पी ले। ऐसे पी रहा है जैसे शराब पी रहा है। बहुत अच्छा था। सच्ची में। और खाना खा लिया? खाना अभी आपने कहाँ लेके आई थी, तो आपने मना नहीं कर दिया था कि होटल से मत मंगाना, तो इसलिए मैं तो वेट कर रहा था। इसीलिए तो मैं तुझसे दोबारा पूछ रही थी कि कहीं तूने होटल से मंगा के नहीं खा लिया। नहीं, आपने मना कर दिया तो मैं कैसे मंगा लेता फिर। वैसे तू बहुत होशियार है जी। अच्छा एक बात बता, कहीं घूमने चले बाहर? देखिए, घूमने तक यहीं तक ठीक है, घूमने क्या करना है, यहीं ठीक है ना? अरे यार, एक दोस्त होने के नाते तो एक दूसरे के साथ घूम ही सकते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे एग्जाम नजदीक है, मुझे थोड़ा स्टडी करनी है, इसीलिए मैंने अकेले के लिए रूम लिया था ये, कि मैं पढ़ाई कर सकूं। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, एक बात बता, हर वक्त की पढ़ाई भी ज्यादा नहीं अच्छी होती। 24 घंटे तुम एक ही काम को करते रहोगे, पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो बोर नहीं होता पढ़ाई से? पढ़ाई से क्या? पढ़ाई तो तुझे करनी है, पढ़ाई के लिए तो तू आया ही है, है कि नहीं? तो पढ़ाई ज्यादा करना अच्छा भी नहीं होता, थोड़ा घूमना फिरना भी अच्छा होता है, थोड़ा टीवी देखना अच्छा होता है, थोड़ा घूमना, शॉपिंग वगैरह करो, एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में चलो, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं ये सब कहाँ अच्छा लगता है। थोड़ा पास आओ। नहीं, वो तो दीदी, थोड़ा पास आओ। अरे दीदी वो बिल वाले आए थे बाहर। चल मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या बिल्कुल भी? है, तुम्हें थोड़ी सी तो तमीज होनी चाहिए। मेरे कमरे में कैसे घुसी तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, समझ में आ गई ना? मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है, लॉक करके नहीं आ सकती तो तुम? अरे दीदी, वो बहुत देर से खड़ा हुआ था, वो बिल वाला खड़ा हुआ था, मर थोड़ी नहीं गया था, खड़ा हुआ था तो जाने देती उसे, बिजली के बिल तो मुझे ही भरना है ना। मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे बैठे हो, तो मैं आपको सारे में ढूंढ रही थी, आप कहीं नहीं मिली, तो मैं सारे में ढूंढ रही थी। मुझे तो लगा तुमने मीडिया में भी निकलवा दिया होगा, अखबारों में भी मेरी तस्वीरें दे दी होंगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत मत सोचो। आज के बाद और हाँ, एक बात और बात सुन लो मेरी, ऐसा है कि तुम ऊपर जाओ, ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ तुम, ठीक है ना? क्यों दीदी? नीचे मैं इसे शिफ्ट करूंगी, इस लड़के को। अरे दीदी, इसे दिक्कत होती है ऊपर। दीदी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, सामान भी इतना सारा है, मैं कैसे? तो मैंने थोड़ी नहीं कहा था छोटे छोटे बच्चे लाने के लिए, तुम खुद से लेके आई हो, तुम्हें खुद अपनी व्यवस्था देखनी चाहिए। ऐसी बात है तो खाली कर दो, दूसरी जगह देख लो मकान। नहीं दीदी, आप समझा करो, ऐसे आप बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम ऐसा ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना? नीचे मैं इसे रखूंगी, इसे बहुत दिक्कत आती है इस लड़के को पढ़ाई लिखाई में सुबह सुबह, ठीक है ना? आप बात समझ लो, ऊपर शिफ्ट हो जाओ आप, मैं इसे नीचे रखूंगी। बात नहीं करती हूँ मैं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम कोई इस घर की मालकिन नहीं हो, मालकिन तो मैं हूँ, ठीक है? और आइंदा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है।
अरे अरे जी, तुम कहाँ चले आ रहे हो? आपका सामान तो मालकिन ने नीचे रखवा दिया। मैं तो रूम में जा रहा था, ये मेरा रूम है ना। नहीं, इसमें तो हमारा सामान सेट हो गया, आपका नीचे करवा दिया। मतलब नीचे मेरा सामान मुझे बिना बताए और सेट करवा दिया? वो मुझे नहीं पता, आप उनसे बात कर लीजिए, मकान मालकिन से। उन्होंने मेरे को ऊपर भेज दिया, तुम्हारा सामान वो अपने आप नीचे सेट कर दिया उन्होंने सारा। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा। और भैया एक बात और, मैं ये कह रही थी, आप ना सच में यहाँ पे तो वैसे बेकार में आए हो, बहुत गलत जगह फंस रहे हो आप। मतलब? ना तो यहाँ स्टडी कर पाओगे ना कुछ भी कर पाओगे। ये मकान मालकिन ना थोड़ी सी बहुत खराब है, थोड़े स्टिक भी है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो? इससे तो अच्छा है कहीं आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, यहाँ से खाली कर दो, कहीं और देख लो। ठीक है, चलिए आप कह रही हैं तो आप मेरे अच्छे के लिए कह रही होंगी, मैं यहाँ से फिर रूम से निकल लूंगी। हाँ देख लीजिए, बहुत सारे रूम है, आप अपना भविष्य खराब मत कीजिए। मैं मेरा तो यही कहना है, बाकी आप देखना कैसे। जी थैंक यू। इतना अच्छा लड़का है और ये मालकिन खड़ोसी, क्यों किसी की जिंदगी खराब करने पर तुली है? ये सच में बहुत बेकार है यार, कुछ नहीं हो सकता है। पता नहीं उन्होंने रूम कैसे चेंज करा लिया। जी इधर से कहाँ से आ रहा है? ऊपर से ही आ रहा था। हाँ तो ऊपर किसके पास गया था? अरे मैं रूम में गया था ना, वो रूम देखने गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि आपने मेरा रूम एक्सचेंज करके यहाँ। तो तुझे जरूरी था वहाँ जाना? जब मैंने तेरा रूम नीचे शिफ्ट कर, तेरा सारा सामान नीचे शिफ्ट कर दिया, तो तुझे उधर जाने खुजली खुजली है क्या? मैडम मुझे पता नहीं था, मैं तो डायरेक्टली ऊपर चला गया, मुझे क्या पता कि आप। मैडम बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं ऊपर चला गया तो मुझे क्या पता था? उन्होंने दीदी ने बताया कि तुम ऐसा करो भैया आपको। हाँ उसे तो तू दीदी ही कहना, उससे बहन का रिश्ता, क्योंकि वो तेरी बहन जैसी है कि नहीं? हाँ जब मैंने तुझसे बोल दिया था कि उधर मत जाना, ठीक है, तो अब तुझे समझ में नहीं आता? अब नहीं जाऊंगा। मुझे तू बार बार क्यों गुस्सा दिला देता? अब नहीं जाऊंगा ना। नहीं जाएगा ना, अब नीचे ही रहेगा मेरे पास, ठीक है, मेरे साथ आओ। चलो देख, सुन। जी मैम। ये तेरा बिस्तर है, ठीक है, है क्या? नहीं जी। कितना खूबसूरत बिस्तर है ना जी। और ये तेरा ही बिस्तर नहीं, ये मेरा भी बिस्तर है। मतलब ये हम दोनों का बिस्तर है ये? नहीं नहीं, आप ऐसा है मैडम, ऐसा है मैम, आप मेरी बात समझिए। देखिए कोई समझेगा आपके पति वति आ गए या किसी ने हमें देख लिया। मेरे पति क्या रहते हैं? तुझे तो कम से कम तो रहते हैं ना, तुझे यहाँ कम से कम 15 दिन हो गए, तूने पति को आते देखा है? नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कौन देखेगा? और मेरा पूरा कैरियर चला जाएगा, तो प्लीज आप यहाँ से जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर मैं बनवाऊंगी ना तेरा? मुझे ऐसा कैरियर नहीं बनाना प्लीज। कैरियर मैं बनवाऊंगी? मेरी बात बेबी तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी बात सुनिए आप। मैं तो तेरी ही बात सुन रही हूँ इतनी देर से। अभी एक बात बताओ, सुनो इधर आओ, इधर आना, मैं इतनी देर से कॉपरेट करने पे लगी हुई हूँ। तो ऐसे ही बता दीजिए, मेरे पास आओ, थोड़ा सा तो खिसक जाओ, हकीकत में थोड़ा सा खिसक जाओ। जी बताइए। तुम बहुत अच्छे हो विवेक, वाकई में बहुत प्यारे हो, कसम से। मैम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप जो कह रही हैं वो मेरी समझ से बाहर है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही है। और मुझे इस तरीके से जो तू कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? इतनी देर से कॉपरेट करे जा रही हूँ, लेकिन तू तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बाहुबली समझ रहा है। देख सुन मेरी बात सुन। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अब यहाँ से हाथ पहले यहाँ रखिए, और मैं यहाँ से रूम खाली कर लूंगा, और प्लीज मैं चला जाऊंगा खाली यहाँ से। अगर तूने मेरी बस बात मुझे आज का समय दीजिए प्लीज। अच्छा तो तेरे दिमाग में ये कहानी चल रही है, मुझे क्या पता थी कि अंदर ही अंदर वो जो कंप्यूटर से दिमाग है वो इतनी फाइलें बना रहा है। देखिए मेरे घर में कोई है भी नहीं है, मेरे ऊपर सारी मेरे परिवार वालों की आस टिकी हुई है, और मेरा कैरियर बनाने के चक्कर में वो लोगों ने अपना घर तक गिरवी रख दिया है, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए और मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। देखो प्लीज़ विवेक, मैंने जब बोल दिया ये घर तुम्हारे नाम, और एक 4 पहिए की गाड़ी उसे भी तुम्हारे नाम कर दूंगी, और बताओ तुम्हारे लिए अपाची नहीं दिलवा दूंगी तुम्हें, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच? तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं सोचेंगे, और वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मेरा भी पति नहीं यहाँ रहता, और बुड्ढे की तुम चिंता मत करो। ओ बुड्ढा तो मेरी ये उंगली है, बस इस उंगली से ऐसे कर दूंगी तो वहाँ उठ जाएगा। देखिए आप इस सब के लिए किसी और को देखिएगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इस सब के लिए मतलब? जी इस सब के लिए तू कहना क्या चाहता है? जो आप कहना चाहती हैं मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। देख मैं अब बहुत देर हो गई तेरे फालतू के ड्रामे सुनते सुनते, समझ में आ गई ना? या तो मान जा, और नहीं मान रहा है तो फिर मुझे अच्छे से आता तेरा इलाज करना।
मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है बस। जाना? जी। जाएगा? जी। अभी बुलाती हूँ, अपने कपड़े फाड़ती हूँ, रुक जा। रुक जा। नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए। अपने कपड़े फाड़ के और सबसे चिल्लाऊंगी मोहल्ले में कि इसने मेरी इज्जत लूटी है। नहीं ऐसा मत कीजिए। समझ में आ गई ना? तेरा जो कैरियर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है ना तू, पूरा कैरियर बर्बाद, 20 साल तक जेल में से नहीं छूटेगा। नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। करेगा ना? जी। आज के बाद तेरी नानू इयाऊ मैं सुनना लू, बता रही हूँ। प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती साले किसी को। ये कपड़े उतार अपने। मतलब ये आप क्या कर रही हैं? अरे तेरा रेप नहीं कर रही मैं तो। समझ में आ गई ना? मैं तेरे कपड़े धोने के लिए ले जा रही हूँ। ठीक है तो मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ और तेरे लिए नया 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 सूट लेके आऊंगी मैं एक पहनने के लिए, बहुत ही क्यूट। चलिए आप जाइए, मैं अभी बाथरूम से चेंज कर लिया। ठीक है तो मैं, ठीक है तो मैं अभी कपड़े चेंज करके आपको देता हूँ। दे जल्दी से फटाफट से कपड़े चेंज करो और मुझे दे दो। ऐसे ही कर लो तो क्या हो गया? नहीं नहीं मैं आप जाइए, मैं अभी मैं आप देता हूँ ना कपड़े, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अंडरवियर तो पहन ही रखा होगा ना? ठीक है लेकिन मैं आपको देता हूँ कपड़े, पहन तो सब रखा है लेकिन ऐसे ठीक नहीं लगेगा, आप जाइए प्लीज। सुन जी, अब जो है ये कपड़े उतार के मुझे फटाफट दे, तेरे लिए नए कपड़े तैयार है। ठीक है बाय बाय। हे भगवान ये मैं कहाँ फंस गया, ये औरत मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे, मुझे यहाँ से जाने में ही फायदा है। अरे तुम अभी गए नहीं, क्या हुआ? मैडम मैं क्या बताऊँ, मैं तो फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह। क्यों क्या हो गया? ये औरत कह दी है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और कह रही थी कि तुम्हारे नाम मकान कर दूंगी और आज से मेरे पति तुम, मतलब इसका मुझे लगता है कि इसका कैरेक्टर मेरे प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे अपने कैरियर के बारे में सोचना है क्योंकि मैं अपने परिवार का सारा काम सारा सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाइए, ये ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से चले जाइए। जी देख लो कहीं जल्दी निकल जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो मैडम देख लें मुझे और मुझे यहाँ से निकलने में ही फायदा है। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, वो मैं गांव से फोन आ गया था कि पापा ने बुलाया, उनको कुछ काम है। पापा ने बुलाया था? जी। फोन लगा पापा पे? फोन लगा? फोन लगा पापा पे? नहीं मुझे और भी कुछ काम है तो मैं वहाँ ही जा रहा हूँ। और क्या काम है? आप मुझे जाने दीजिए ना। तेरी समझ में नहीं आता है? तेरी समझ में नहीं आता मैडम, तुझे मैंने कितनी प्यार से समझाया, कोऑपरेट कर रही थी मैडम मेरे पास है, तुझे समझ में नहीं आता, इसमें 6 गोली है इधर। नहीं इसमें 6 गोली है जी, और 6 की 6 तेरी कनपट्टी पे अगर उतार दी ना जी मैम, तेरे ना इस खोपड़ी का ढक्कन उड़ जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। अरे अब मरना तो तुझे पड़ेगा, तूने इतनी बड़ी गलती करी है। मैम मुझे प्लीज, अब तो मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। मैम मुझे प्लीज, मुझे जा, अब तो तुझे मरना पड़ेगा, हिल मत और ज्यादा हाथ पैर मत फेंक, बता रही हूं ना हाथ में ही गोली मारूंगी खींच के। मैम मुझे जाने दीजिए, मैंने आपको बिगाड़ा? सही सही बता मेरे बारे में तुझे किसने भड़काया? मैम मुझे किसी ने। सही सही बता दे, तुझे मैं जितने प्यार से कोऑपरेट कर रही हूँ, तू जितनी तेरा ख्याल रख रही हूँ, तू उतना ही मेरे सर पे चढ़ता आ रहा है। मैं भड़काया किसी ने? ऊपर वाली दीदी जो है वो कह रही थी कि वो दीदी वो मैडम अच्छी अच्छी इंसान नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ जल्दी से जल्दी। तू कौड़ी की किरायेदारनी, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे ही घर में रह के और मुझे ही आके दिखाने लगी है? अब तो खैर उससे तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले मैं तुझसे निपट लूं। मैं मुझे जाने दीजिए। जाएगा प्लीज मैम? जाएगा मुझे बता। नहीं अभी भी जाने का नाम ले रहा है तू? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे घर का रास्ता किधर है? अंदर है? अंदर चल चल। अगर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करी ना तो तू जानता मैं तेरा क्या हासिल करूंगी? जानता है इसको? अरे इधर आ, तू जानता ना मैं तेरा क्या हासिल करूंगी? समझ में आएगी, तेरे लाश का तेरे घर वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर यहाँ से मेरी यहाँ आना अपने हाथ है, लेकिन जाना किसके हाथ है? आपके। किसके हाथ है? आपके। चल। मैं चाहती हूँ ये मेरे हाथों से ना मरे, लेकिन इसे मरने का शौक है। मैं सोच रही थी फालतू में अपने माँ बाप का इकलौता होगा क्यों मेरे हाथ से मरना चाह रहा है, वरना मार के और बोरे में भर के किसी गंदे नाले में फेंक के आऊंगी, लेकिन खुजली है साले के,
बगैर सुने मानता ही नहीं। पूजा, पूजा। हाँ दीदी, क्या हुआ, कैसे चिल्ला रही हो? मुझे कुछ बात करनी थी तुझसे। हाँ दीदी। तूने, तुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना? क्यों दीदी, ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ये तुम मुझसे पूछ रही है कि क्या हो गया? अगर तू ये खुद अपने आप से पूछेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुआ क्या दीदी, क्यों नाराज़ हो रही हो, क्या बात हो गई है? तूने उससे क्या कहा था? किससे? उस विवेक से, वो लड़का जो नीचे रहता है किराए पे। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा दीदी। कुछ नहीं कहा? नहीं। सच्ची में कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है उससे। सही में कुछ नहीं कहा? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं कहा तूने? नहीं दीदी, आप बताओ। ये दिख रहा है तुझे? जी। ये दिख रही है तुझे? हाँ, इसमें 6 गोली है, 3 तेरे लिए और 3 उसके लिए, जो तेरा शुभचिंतक है। ठीक है ना, तू उसकी शुभचिंतक है, तो उसकी बहुत परवाह करती है ना, बहुत फिक्र करती है ना। तुझे इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे रहना पड़ेगा, समझ में आ गई ना? वरना ये 6 की 3 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगी मैं। दीदी आपको, तेरे को समझ में नहीं आता? दीदी आपको अगर ऐसा लग रहा है और मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं कल मकान खाली कर दूंगी। क्या? यहाँ आना अपनी मर्जी है, लेकिन जाना यहाँ से मेरी मर्जी, समझ में आ गई ना? अगर तूने खाली की मुझे धमकी दी ना, तो मैं खूब चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि मेरे 2 साल का किराया दे के जा, समझ में आ गई ना? हाँ दीदी, किराया तो हम टाइम से दे देते हैं। कहाँ देती है तू टाइम से? मेरी नजर में तू टाइम से देती है किराया, लेकिन समाज की नजर में, पुलिस की नजर में मैं कह दूंगी 2 साल से किराया नहीं दिया। तो देख सुन, मैं तुझ पे एक इल्जाम और लगाऊंगी कि 2 लाख रुपए तूने मुझसे नकद लिए थे और तूने मेरे घर में चोरी की, मेरे सोने का हार चुराया, समझ में आ गई ना? और अगर यहाँ से जाना चाहती है तो 50,000 रुपए दे के जा। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रही हो? तूने मेरे आसिक को भड़काया था है? और तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे आसिक को भड़काएगी है? हाँ जा, मैं आज उससे खुलेआम कहती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, जा, सारी दुनिया के सामने कहती हूँ, तुझसे भी कहती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ। ठीक है ना? मुझे क्या मतलब है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ बच्चों की वजह से। तेरे छोटे बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं। छोटे बच्चे तूने मेरे ऊपर थोड़ी नहीं करे थे हैं? या फिर मुझे दिखाने के लिए छोटे बच्चे करे थे, समझ में आ गई ना? अगर जाना चाहती तो 50,000 रुपए दे दे और चली जा खूब शौक से, वरना तू जानती है मैं कैसी हूँ। 3 गोली तेरे लिए और 3 गोली उसके लिए, जिसकी तू शुभचिंतक है, 3 के 3 दिन गोली उतार दूंगी सर में। ठीक है दीदी, मैं आपको फालतू में क्यों अपने बच्चों को अनाथ करना चाह रही है? दीदी सॉरी, मैं, चलो आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। ठीक है, अपने काम से काम रखना, समझ में आ गई ना? ठीक है दीदी। हाँ, अब जाओ अपने रूम में। फालतू की बकवास करी जा रही है मुझसे। अबे ओ हीरो, बाहर निकल, बाहर निकल। नमस्ते मैडम। आज के बाद अगर नमस्ते करी ना तो तेरी ना तेरे मुंह में गोली मारूंगी, ला तेरे मारी दूं, ला मारी दूं। क्या करूं फिर, नमस्ते ना करूं तो? हाय जान, कैसी हो बेबी? मेरी जानू। मैडम मैं आप इस तरीके से, मैं आपसे हाथ जोड़ के, कितना अच्छा लगता है तू मेरा हाथ पकड़ता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ओफो, हाथ भगवान के जोड़े जाते हैं जान, मेरे नहीं। ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर। ओ, दब जाएगा, दब जाएगा, थोड़ी भी लग जाएगी, लग जाएगी। मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ जान? जान क्या कहे, और क्या कहेगा जान? और बाबू, और बेबी, और बस मुझे, बस मुझे छोड़। चल, तेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे घुमाने ले जाएगा ना? हाँ, घुमाने फिराने ले जाएगा। हाँ ठीक है, डिनर करने चलते हैं किसी बढ़िया से होटल में। ठीक, और वहीं रूम बुक कर लेंगे, वहीं रुकेंगे, है क्या? नहीं रुकेंगे ना? तू तो रो रहा है, अब मैंने ऐसे भी तेरे ऊपर मार क्या लगा दी जो तू रो रहा है? अब तू मेरा दिमाग खसका रहा है। अब मेरा ऐसा मन करता है कि तेरी एक गोली रख ही देती हूँ। नहीं है, रख ही देती हूँ। नहीं, नहीं रख दू? नहीं। चल एक काम कर, तू मर जा, तुझे इस धरती पे जीना नहीं है, इसीलिए तू इतना नाटक कर रहा है। मैं इतने दिन से तुझसे कितना कोऑपरेट करती हूँ, मैं कहती हूँ कभी ना हंसता, ना बोलता, ना प्यार से बोलता, ना कभी मेरी तारीफ करता, ना कभी मेरे बालों में कंघी करता है। चल ऐसे के देखा, ऐसे हंस, ऐसे नहीं, अच्छे से
ये बंदर जैसा मुंह मत बना। चल ठीक है हंसना, तेरे बस की बात नहीं है। देख सुन जी, आज रात को मैं 10 बजे आऊंगी। मैं 2-3 दिन से आ रही हूँ लेकिन तेरी कुंडी लगी रहती है। अगर आज रात को तेरी कुंडी लगी मिली तो क्या होगा? क्या होगा तू बता दे। मुझे नहीं पता। ये बंदूक ना यहाँ से, अच्छा यहाँ से डालूंगी, यहाँ से। ठीक है ठीक है, कुंडी खुली मिलेगी। कुंडी खुली मिल, कुंडी बंद नहीं होगी, होगी की जी। क्या गोली है इसमें? 6। और मैं तेरे सिर में क्या डालूंगी? 3। हाँ, गुड बॉय। और वैसे भी आज हम दोनों का मिलन पक्का, ठीक है ना, पूरी तरीके से जी। चल निकल। सोनिया, सोनिया, अरे कहाँ गई? अरे ताऊ जी आप, अरे दीदी तो यहाँ पे है नहीं। कहाँ चली गई वो? वो कहीं बाहर गई है पता नहीं। ताऊ जी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा, मैं तुम्हारे बाप जी से हूँ, जो भी बात है मुझे बताओ। क्या बात है? मैं ये कोई परेशानी? देखो वो उन्होंने ना, आपकी बहू ने, वो जो लड़का रह रहा है ना, उसको बहुत परेशान करके रखा है काफी टाइम से। जब से वो आया है वो बहुत परेशान है, ना पढ़ने देती ना लिखने देती है, उसको बहुत दुखी करती है। और मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी धमकी देती रहती है। हाँ, मैं भी खाली करना चाहती, मुझे नहीं रहना ताऊ जी यहाँ, बहुत। मुझे तो उसकी पता थी बहुत पहले से ही, मगर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। इस वजह से बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो बहुत पहले मालूम ही कि बच्चाई वजह से लड़का को परेशान कर रही है, तू भी कर रही है। कुछ भी करो ताऊ जी, इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। वो अकेला लड़का है, जा खाली करवाऊंगा जा से मैं खुद। ठीक है ताऊ जी, आप देखो। ठीक है बेटा। सोनिया, सोनिया कहाँ है? एक तो कम ची खा करो तुम। अरे अरे अरे, हाँ बोलो क्या काम है? मैं यूँ कह रहा था कि वो जो लड़का रह रहा है ना अंदर कमरे में, उससे मकान खाली करवाओ, मैं गृहस्थी वाला लाऊंगा। क्यों? क्यों क्या? क्यों? खाली कराऊंगा भाई उससे। तुम कौन हो? क्यों कौन हो तुम? मैं इस घर का मालिक हूँ। और कौन हूँ? कौन कह रहा था कि तुम इस घर के मालिक हो? क्यों? कौन कह रहा था? मुझे मेरे सामने लाओ उसे। मैं कह रहा हूँ, जब मैंने अपना घर बनाया है तो मैं ही मालिक हूँ या इस घर की मालकिन मैं हूँ, और ये घर मेरे नाम पे। आप कौन हो? तुम्हें सिर्फ 2 रोटी से मतलब है, 2 रोटी से मतलब रखो। ज्यादा फालतू की रामलीला मत देखो यहाँ, समझ में आ गई ना? मैंने तुमसे कहा ना उसको खाली कराना है तो कराना है। अरे मैं प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें। मैं भी प्यार से कह रहा हूँ, वरना मुझे और भी इसकी बातें समझाने की। और क्या करेगी? और क्या करेगी? ऐसा है, तुम जाओ यहाँ से, वो नहीं जाएगा यहाँ से, और मैं नहीं खाली कराऊंगी, मेरा मकान है। देखता हूँ, समझ में आ गई ना? खाली कैसे नहीं होता वो? क्यों खाली? तुम होते कौन हो खाली कराने वाले? अरे मैं सब कुछ होता हूँ। अच्छा? तो बताऊंगा मैं तुझे। चल क्या बताओगे? बहुत दिन हो गए तुझे देखते देखते। मुझे तो लगता है तुम्हें बताने का टाइम आ गया। हाँ, है? तो मैं तुम्हें ही बता दे क्या करेगी फिर? मैं क्या करूंगी? हाँ? मैं तो तेरा बुड्ढे ही है। सुन 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 सुन, समझ में आ गया? सुन बात सुन। हाँ ठीक है, जैसा तू कह रही है वैसा करूंगा। उस किरायेदारनी ने तेरे कान भरे। अरे मुझसे मुझे कुछ नहीं करा, मुझे दिखता नहीं है, मुझे सब दिखता है। अरे दिमाग यही रहता है मेरा। अभी भी बातें आ रही है, पिस्तौल देखने के बाद भी है? मरना है? ना, ना, मरना ना, ना, है तो ला अभी टपका दूं मैं? ना बेटा मैं ना मरना है? हाँ। मरना है तो बता दो ना, ना, मैं अभी 2 गोली डालती हूँ दिमाग में। ठीक है गलती हो गई, भेजा उठ जाएगा। जा यहाँ से, आ जाते हैं फालतू की बकवास करने। मुझे तो उसी के काम लग रहे हैं, जरूर इस बुड्ढे के कान उसने भरे होंगे, इसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। अब उसे ही देखती हूँ जाके। राम राम इंस्पेक्टर साहब। अरे राम राम बाबू जी, राम राम, बैठिए। हाँ बैठिए, जरा बैठिए। अरे राम, और कहिए बाबू जी कैसे आए? कैसे आए? हम अपनी कहानी का बताएं तुम्हें, क्या हमारी बहू है ना? हाँ, बाकी बारे में रिपोर्ट लिखो। आपके बेटा की बहू? हाँ। अच्छा जी, वो बाने हमें बहुत परेशान कर रखो, हमें तो कर रखो है, एक किराएदार नहीं और है। अच्छा भाई भी बहुत परेशान कर रखो, और एक लड़का आयो है भोगो तुम्हारी उम्र कोई, बाबू बहुत परेशान कर रखो। तो हम जी चाह रहे कि पर लड़का को तुम हमसे बिगड़वा। तो आप करवाना क्या चाहती? मैं जी चाहता हूँ कि पर लड़का को घर खाली हो जाए। हाँ, और बाकी जगह कोई और आ जाए, और जी बहू हमसे छुट्टी पा जाए। जहाँ से तो अच्छा होगा तुम उन्हें पकड़वा लो। अच्छा बबुए ले आओ, नहीं तो ये कादे वो मार देगी। अब देखो
बुलाड़ो बंद कर रखो गाँव में। अरे अब जो हमारी किराएदार नहीं है बड़ी सज्जन बहू है वो, है ना, वो भी बंद कर लई है। और बात बात पे तो अब जाने बंदूक कहाँ से ले आई है, हमारे तो आज यहाँ रख दे जैसे तैसे जान बचा कर लाए। अच्छा, तो वो मकान किसका है बाबू जी? मकान तो मेरा ही है। मकान तुम्हारा है? मगर लड़का की बहू है ना, तो वो अपना दिखाते कि हाँ मेरा सब, वो अपनी जलवे दिखा रही है। तो कैसे वो एक आधे मार देगी, आप चिंता ना हमें वो मार डालेगी, पता पड़ेगा नहीं, 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 आप तक तो हाथ ही नहीं लगाएगी, उसके जलवे को ढीला कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसी लग रही है, बिल्कुल पागल है। सब इलाज है हम पे, तो बाको इलाज कैसे भी करो, नहीं तो वो एक आधे मरवा देगी। उसका नाम याद है? तो नाम मालूम है, क्योंकि मैं जाऊंगा इंक्वायरी करने के लिए, आप मिले। अरे मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे पीछे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ जी। फिर क्या है, फिर इसमें क्या मैं वो है? मगर जैसे हो वो हैंडल कर लेंगे। हैंडल ला के यहाँ पे वो बैठ पर बनिया लेडीज पुलिस से, वो जिंदगी भर याद रखे। आपने इजाजत दे दी तो नट तबियत कुटेगा हमारे यहाँ। चलो चलो चलो, हर समय तो जाना का रहते, गाने गावते रहते। अच्छा, उसके गाने बंद करा दूंगा मैं। चलो तुम चलो जी, ये सब यही घर है। हाँ हाँ जी, ये घर हमारा। अरे कोई है क्या घर में? बोला अरे मकान मालिक जी हैं क्या इस घर में? बाहर आओ जरा। ये मकान मालिक तो मैं हूँ। कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? हाँ जरा इधर आ जाओ आप, मेरी मुझे बात कर लेने दो जरा। कर कर, है ना, मैं बात कर लूँ इनसे। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है पहले आप ये बता दें। मेरा नाम है सोनिया। सोनिया, तो सोनिया वो। अच्छा। पिताजी कोई बात हो गई है क्या जो इन्हें बुला के लाए? नहीं मैम, बाहर खबर नहीं आई। अरे शांत रहिए, आपके नाम FIR लिखवाई है बाबूजी ने। क्या? हाँ। क्या और कीमत करो यहाँ, अब आपको जेल जाना होगा हमारे साथ। ले जा। क्यों? मुझे पिताजी तुम अपनी इतनी संस्कारी बहू को जेल भिजवाना चाहते हो? अच्छा। सवेरे की बात है, तुम बंदूक लेकर ठाड़ी आप बाबूजी चिंता ना करें, मैं कब तो रहूंगा। तुमने जुर्म की दुनिया में पैर रखा है ना उसको? मैंने जुर्म की दुनिया में पैर नहीं रखा, मैंने तो संस्कृति में पैर रखा है, समझ में आ गई ना? ज्यादा इतनी अच्छी बहू है ना, ढूंढे से नहीं मिली। जवान चलाने की जरूरत नहीं है, सुनने ही नहीं। ऐसा इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर ये उंगली मुझे मत दिखाओ। देख रहे हो तेवर? आपको इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि लेडीज से किस तरीके से बात की जाती है। मैं बात अपने तरीके से कर रहा हूँ मैम, अभी तक मैं मैम कर रहा था। पहली बात तो ये बताओ कि मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? जुर्म क्या है आपका? जुर्म अगर मैंने बोल दिया तो शायद आपके कानों में है क्या बम फूट जाएगा। नहीं फूटेगा, बिल्कुल नहीं फूटेगा, बहुत मोटे मोटे कान है मेरी तरह। बताओ क्या जुर्म है? क्या जुर्म है? हाँ। आपने बाबूजी के कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, उनको मारने की कोशिश की। इनका तो दिमाग खराब हो गया। हाँ। तुमने ये एक तरफ की बात तो सुन ली। तुम बताओ ये क्या करते हैं, रात में मेरी इज्जत लूटी इन्होंने, अपनी ये इज्जत लूटेंगे। मुँह पर हाथ चली न जाके डंडा के बलते में चल के आती। अरे ये सब दिखावा है बाबूजी, सही कह रहे हो आप। अरे ये सब दिखावा है, तुम भी इन्हीं के साथ मिले हुए हो क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरी झूठ माना तो तुम देखो, दोनों जने वो बंद है। अच्छा, उन्हें निकलवा के पूछ लो, सही बात नहीं आ जाएगी। अभी हैक रहे था। हाँ। बुलाओ इन दोनों को, बुलाओ उन्हें। मैं लेवा के ला रही हूँ, यहाँ खड़ी रहो बाबूजी। हाँ। आप लेवा के लाओ इन दोनों। ठीक है, अभी आप लेवा के लाओ, जब तक मैं इनकी खबर लेता हूँ। इधर देखो, पहले सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। क्या है? सुनो मेरी बात। क्या है? एक काम करो, 100-200 रुपए ले लो, आप जाओ। और सुनो, अगर 100-200 रुपए ना लेना चाहो ना, तो मैं कितनी सुंदर, वो 80 साल का बुड्ढा, उसका दिमाग खराब हो जाए, उसे मिर्गी आती है, दौड़े आती है। तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो? और अगर चाहो तो हम दोस्ती कर सकते। हाथ दूर रखो, बता रहा हूँ ये जुर्म की दुनिया में मेरा भी पैर मत रखवाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अरे मैं जानती हूँ तुम्हें, ऐसी लड़की कभी मिली नहीं होगी। मिली नहीं होगी? तुम कोई बात नहीं, मुझसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो। शट अप। हाँ, दिल की बात खुल के कह सकते। ऐसा है जी, जवान जोरी कम करूँ उससे, बता रहा हूँ तुम्हारे पैरों तले जमीन खसकवा दूंगा मैं, बता रहा हूँ। मुझे आप जानती नहीं हो, इस क्षेत्र का नया दरोगा हूँ। नहीं बता रहा हूँ मैं। देखो इंस्पेक्टर साहब, इस चीज में मुझे धमकी मत दो। शांत रहो पहले, आओ बाबूजी आ गए। आओ बाबूजी आओ। देखो मेरी बात। अच्छा ये है जी लल्ला है, ये इधर आओ बेटे, जैसी ये किराए पे रहते हैं। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़े। हाँ इधर आओ,
देखो कैसी हालत करती है लोंडा की। तो बाबूजी ये लड़का देखो क्या हालत करती है जल। और ये कौन है बाबूजी? जी हमारी किरायेदारी है मगर बेटी जैसी। अच्छा ये भी जामा जामे में कोई फर्क ना समझते। अच्छा जाऊ की बड़ी जिंदगी खराब कर दी हमारी। अरे 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 बेटा आ गया जय मारे तो मैं पुलिस से लेके बाबूजी मेरे पास गए और बाबूजी गए तो ये मेरा हक है की मैं और इतनी सी बंदूक लिया ये जाना कांटे बाहर ले गया समन के दिखा देगी। हाँ। सवेरे तो मेरे पे रखा। आप ये बताइए तो आपके साथ कैसे कैसे क्या क्या किया इन्होंने मुझे बताओ। झूठ मत बोले। देख रहे हो शांत नहीं रहोगे आप? मैं मतलब आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ मतलब मैं अकेला हूँ तो इसलिए आप चढ़ी जा रही है। अभी लेडीज पुलिस बुला के तोड़वा दूंगा। सर इन्होंने मुझे किराए पे रखा। अच्छा और इन्होंने मेरे ऊपर गलत अट्रैक्टिवनेस दिखाई और साथ ही मुझसे बोल रही हैं कि तुम मेरे बन के रहो तो जिंदा रहोगे नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आप करते क्या हो वैसे? सर मैं स्टडी करने आया था यहाँ पे पढ़ाई करने आया था मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा था। अच्छा लेकिन इन्होंने हाँ। सर मुझे इस औरत से बचा लीजिए सर प्लीज। पर आप जब इतने दिन से ये तो काफी दिनों से चलता आ रहा होगा सर जी तो फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं? अरे पढ़ने लिखने वाले बाहर लखनऊ से कहाँ जाने को कचहरी मुझे कहीं जाने नहीं देती थी सर मुझे रूम में बंद करके रखती थी। और आपका मोबाइल फोन? सर सब इन्हीं के पास जब्त है। अच्छा ठीक है सर मुझे भी बहुत परेशान करती है। आप बताएं आपको आपको कैसे परेशान किया आप भी बताएं अपना। तू तो चुप रहे। सर मैं नीचे रहती थी नीचे से मेरा रूम ऊपर शिफ्ट करा दिया और उनका नीचे करा दिया। अच्छा। उसके बाद मुझे धमकी देती है कि तू उसको बोलती है ये है वो है अच्छा। तुझे गोली मार दूंगी ये कर दूंगी। अच्छा। मेरे ऊपर भी इन्होंने बंदूक। आप इनके घर में जो रूम है उसमें अकेली रहती है कि मतलब आपके बच्चे बच्चे मेरी फैमिली रहती है सर मेरे दो बच्चे। अच्छा तो ये आप पर भी हुकुम चलाती है? हाँ बहुत परेशान करती है। अब तो इनका हुकुम जो है थाने में ही चलेगा के इन दोनों की जो सिचुएशन सुन के मुझे तो ये तहत लगता है कि आपने इनके ऊपर कानूनी जुर्म किया है बहुत ज्यादा करवा है और इस जुर्म के तहत आपको सजा मिलनी ही चाहिए ये निश्चित होता है क्यों बाबूजी? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है तो ऐसा है सुनो पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो उसके बाद बोलना। ऐसा है कि आप राजी से चले वो ठीक है वरना मुझे गलत डिसाइड लेना पड़े मुझे महिला पुलिस बुला के आपको तुरवाते हुए ले जाऊं ये ठीक नहीं रहेगा। तो आप इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे माफ। मैं माफी तो बिल्कुल नहीं देता। एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। जब तुमने अपनी सुना दी तो हमारी भी सुन सकते हो। आप सुना सकती हैं या मैंने इजाजत दी थी? इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए आज के बाद में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं। अच्छा वो क्या कहते हैं पूजा मुझे माफ कर ना जी ना विवेक भाई ना इंस्पेक्टर साहब एक मिनट ना ना बाबूजी आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँ कि जाकर ले जाओ जाकर जेल फांसी जो भी हो करा दो। हट जा पापा वाली है और जाकर फांसी लगे फांसी लगवा दे मैं तो नहीं जानूंगा मैंने बेटा का ब्याह ही ना करो ना मेरी कोई बहू। बेटे आपकी क्या राय है? सर इनको जेल ले जाइए। विवेक मैं तो तुम्हारे दूर रहिए सर यहाँ से मैं तो परेशान हूँ बाकी इनके घर की बात है बाकी मैं परेशान हूँ। ये तीनों का जो मतलब इन्होंने बयान दे दिया है कि आपको जेल जाना होगा। चलिए चलिए अब यहाँ से चलिए ये तो जेल जाएंगी लेकिन मैं आप दोनों को एक सूचना दिए जा रहा हूँ आपकी पढ़ाई कितनी रह गई है आपकी? अभी मेरा फर्स्ट ईयर था अभी तो। अच्छा फर्स्ट ईयर है तो आप ऐसा यहाँ से आप निकल जाएं आप कोई अच्छा कमरा देखें बढ़िया ठीक है फैमिली सहित ठीक है और आप भी यहाँ से निकल जाएं आप भी यहाँ का मकान खाली कर दें आप भी कहीं अच्छा जगह देखें। बाबूजी आपके बयान के अनुसार मैं इनको जेल ले जा रहा हूँ। आप दोनों से कहना है कि आप दोनों जाओ और अपना कपड़े वपड़े जो भी है तय वगैरह करो यहाँ से निकल लीजिए ठीक है? ठीक है आधे घंटे के अंदर आप यहाँ से निकल जाना। चलिए जाइए जाइए आप दोनों जाइए आप। चल भाई चल चलो 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 यहाँ से अब तो तुम्हारी जगह जो है जेल है। चलो चलिए अब क्या अब यहाँ क्या है? मैं बुड्ढे छूट के आऊंगी जेल से समझ में आ गया ना आते ही तुझे बोरी में भर के गंदे नाले में नहीं बहा ना तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं जमानत पे छूट के जाऊंगी कहीं मुझे सूली नहीं हो सूली नहीं चढ़ूंगी फांसी नहीं हो जाएगी मुझे। अभी बुलाओ फिर चाहे गाना भूल जाएगी जो गुनगुनाते रहता है। आप चिंता ना करें आप घर जाएं अपना घर परिवार देखें ठीक है मेरे सब बड़ी गुनगुनाती है जो गाने बजवा दे सब याद आ जाएगा तो तुम्हें झील की हवा खिलानी ही पड़ेगी और तुम्हें खानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे छोड़ दो ये मेरा हाल ले लो ये मेरे कुंडल वगैरह सब ले लो आप। अच्छा सोने के कड़े ये भी ले लो प्लीज रिश्वत दे दिया मुझे रिश्वत दे दिया लो प्लीज मैं जाती हूं। अभी राजी से जाना या नहीं जाना या फिर मैं महिला पुलिस बुलाऊं और तुरवा के जब थाने ले जाऊं वो अच्छा लगेगा हैं? चलो हाँ।